गर्मी की छुट्टियां और बच्चों का शोर, मैंने सोचा इनको समर कैंप में डाल दूं। पर फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब तो बच्चे घर में ही सारा दिन करते रहते हैं, तो और क्या। अरे पेंसिल ड्राइंग मेट इसी के बारे में नहीं सुना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे ऑनलाइन पेंसिल ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। ड्राइंग्स ऐसी जैसे असली हो, बस आपको सिर्फ पेंसिल और कागज चाहिए। और तो और, ये आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल रेनाउंड आर्टिस्ट नॉलन क्लार्क। ये प्रोग्राम मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी सीख सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, अपने बच्चों और अपनी कल्पनाओं को दी नई उड़ान। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और इस प्रोग्राम को डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल करें। ओम का प्रतीक हमारी जिंदगी में इस तरह से छाया हुआ है कि हम उसे अपने शरीर, अपने कपड़ों, अपने आसपास हर जगह धारण कर रहे हैं। ये इसलिए भी कि ओम एक सर्वव्यापी छवि है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इस प्रतीक की उत्पत्ति का ज्ञान किसी को नहीं है, लेकिन इसके तीन वक्र चेतना तीन अवस्थाओं को दर्शाती है। पहली जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट, दूसरी स्वप्न अवस्था यानी ड्रीम स्टेट, तीसरी गहन निद्रा यानी डीप स्टेट। ओम प्रतीक में बिंदी चेतना की चौथी अवस्था को दर्शाती है, जो तब होती है जब आप अन्य तीन अवस्थाओं के बीच कहीं होते हैं। दूसरों का सुझाव है कि ओम प्रतीक के तीन वक्रों में अन्य प्रतिनिधित्व हो सकते हैं, जैसे कि तीन लोक, पृथ्वी, वातावरण, स्वर्ग, तीन प्रमुख हिंदू देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, या तीन पवित्र वैदिक ग्रंथ ऋग, यजुर, साम। तो आइए उस चौथी अवस्था का ध्यान करें।
उस चौथी अवस्था में जाकर बाहर आने पर ऐसा लगता है मानो अब ही नींद से जागी है। सब कुछ इतना खिला खिला लगता है, इतना फ्रेश लगता है, इतना लाइट लगता है कि जैसे आप अभी जन्मे हैं। कैसा लगा आपको उस अवस्था में, हमें जरूर बताइए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तब तक आप भी ओम का जाप करें और उस ऊर्जा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें।